हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल काउंसलर। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था एनएमसी बिल को लेके, और आज फाइनली गुड न्यूज आ चुका है आप लोगों के लिए जो चाहते थे कि एनएमसी बिल लागू हो। ये मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से आया है। मध्य प्रदेश में एनएमसी बिल फुल्ली इंप्लीमेंट हो चुका है, जो कि आप मध्य प्रदेश के ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ में मैं बात करने वाला हूँ काउंसलिंग अपडेट को लेकर, स्टेट वाइज क्या क्या काउंसलिंग अपडेट है, साथ में सीट इंक्रीमेंट डिटेल्स मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और मैं आपको बता दूं कि मैं कंटिन्यू वीडियो में यही बताता आया हूं कि एनएमसी बिल इसी साल से इम्प्लीमेंट होगा, और वही हुआ क्योंकि इसका बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रीजन थे। पहला तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, और प्रधानमंत्री कभी ट्वीट जो करेंगे वो कभी रॉन्ग नहीं कर सकते। साथ में कई RTI रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला, कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आपके प्रूफ हैं, तो इस तरीके से मैं या फिर जो बहुत सारे इंटरनल जो सोर्सेस हैं, तो ये सारे चीज़ों से हमें पता किया, और तब पता चला था कि एनएमसी बिल 100% आ रहे हैं, और कुछ अपना लॉजिक है। तो इस साल से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश ने अपना साथ में काउंसलिंग शेड्यूल भी पब्लिश किया। मध्य प्रदेश के काउंसलिंग शेड्यूल से पहले मैं एक बार समझाना चाहूँगा एनएमसी बिल को लेकर, जो कि ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मध्य प्रदेश का ऑफिशियल साइट पर पब्लिश की गई है PDF। यहाँ पर सीधा मेंशन किया गया है क्या एनएमसी बिल इस साल से लागू होगा। एक क्वेश्चन की गई है, क्वेश्चन आंसर, तो आंसर किया गया है कि जी हाँ, इस साल से लागू होगा। यहाँ पे जो 15% जो टोटल ओवरऑल जो सीटें होंगे उसमें 15% सीट होंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो NRI के अंदर चले जाएंगे, और बाकी के रिमेनिंग जो 85% सीटें होंगे उसमें से जो 42.5% सीट होंगे वो एनएमसी बिल के अकॉर्डिंग उस पर एडमिशन होगा, यानी कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो 50% जो सीटें होंगी, यानी कि 42.5% सीटें वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट फी पे आपको एडमिशन ली जाएगी, बाकी के जो रिमेनिंग बचेंगे 42.5% सीटें वो प्राइवेट के अंदर होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। साथ में यहाँ पे NRI को लेके दिया हुआ है, जो कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड करके आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर बात। आज दो ऐसे स्टेट हैं जिनका काउंसलिंग शेड्यूल आया है, पहला मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान। राजस्थान वैसे तो एक क्लोज स्टेट है, माना जाता है ओपन, लेकिन क्लोज ही है। यहाँ पे सिर्फ NRI कोटे से आप एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, बाकी के जो नॉर्मल फी है, नॉर्मल जो सीटें, उस पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया हुआ है वो 14th से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो 14th सितंबर टू 21st सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स जो आएगा वैकेंसी, वो 19th सितंबर को आएगा। इसके बाद आपको जो फाइनल जो वैकेंसी आएंगे वो 21st सितंबर को आएंगे। इसके बाद आपको जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 23 सितंबर को आएंगे। इसके बाद आपको च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग करना होगा सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो 24 सितंबर से 26 सितंबर तक आप कर सकते हैं, 3 डेज का आपको समय मिलेगा। इसके बाद राउंड वन का जो रिजल्ट आएगा वो 1 अक्टूबर को आ जाएगा, और जिनको सीट मिल जाएगा उन सभी को कॉलेज अगर पसंद है तो आपको रिपोर्ट करने का जो डेट दिया हुआ है, साथ में पर्सनल आपको यहाँ पे अलॉटेड कॉलेज इन पर्सनल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, आपको पर्सनली जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग करना होगा। ये 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर तक, यानी कि 7 डेज का टाइम मिला हुआ है। इसके बाद जिनको राउंड वन में सीट मिल चुका है और वो राउंड टू में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए विलिंगनेस अपग्रेडेशन करना होगा सेकेंड राउंड के लिए। इसका डेट है 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर तक। जब तक आप विलिंगनेस सबमिट नहीं करेंगे तो आप नहीं जा सकते हैं सेकेंड राउंड में। इसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल, यानी कि इसका जो डेट दिया हुआ है वो 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर दिया हुआ है। इसका भी 7 डेज का प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का। राजस्थान ने भी अपना काउंसलिंग शेड्यूल जो है पब्लिश कर दिया है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 19th सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों फिल करने होंगे। जब भी आप राजस्थान के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो फॉर्म भरने के लिए पार्ट वन और पार्ट टू का 2 ऑप्शन आता है, दोनों को कंप्लीट करना होगा। लास्ट डेट जो है आपको डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फी, यानी कि एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का, वो 25 सितंबर है शाम के 4 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी आपको 25 सितंबर। इसके बाद आपको जो वेरिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि PWD के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको जो वेरिफिकेशन करना है वो 26 सितंबर तक आपको वेरिफिकेशन करा लेना है। इसके बाद आपको सीट मैट्रिक्स जो आएगा
राजस्थान का, और 27 सितंबर को पब्लिश कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट भी 27 को आ जाएगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो, इसके बाद आपको जो ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग च्वाइस लॉकिंग करना है वो 28 से 30 सितंबर तक आपको कंप्लीट कर लेना होगा। रिजल्ट जो राउंड वन के आएंगे वो 4 अक्टूबर को आपको आ जाएंगे रिजल्ट मिडनाइट तक। इसके बाद आपको फर्दर राउंड होंगे, नेक्स्ट राउंड होंगे। तो ये आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि एनएमसी बिल है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी। साथ में दो ऐसे स्टेट है जिसका काउंसलिंग शेड्यूल पब्लिश कर दी गई है, जिनका स्कोर कम है उनको थोड़ा सा मुसीबत हो सकता है, थोड़ा सा आपको क्रिटिकल सिचुएशन हो सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास बेहद ऑप्शन है NRI कोटे, और बहुत सारे सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग को ज़्यादा डरना भी नहीं है, ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आना नहीं है, कि बहुत सारे ऐसे नए कॉलेज भी आए, लगभग 7 नए कॉलेज आए हैं। इसके साथ साथ कॉलेजेस में सीट भी बढ़ रही है, तो उसका अपडेट आपको आने वाले 20 सितंबर तक आप लोगों को पता चल जाएगा। जब MCC का सीट मैट्रिक्स आएगा, स्टेट वाइज सीट मैट्रिक्स आएगा, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि आप किस लेवल पे हैं, जिनका स्कोर कम है या फिर जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं उन स्टूडेंट के लिए। तो बाकी के लिए अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो हमारे यहाँ दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करके आप सर्विसेज ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद SM एजुकेशन सर्विसेज एंड मेक योर नीट PG UG काउंसिल ड्रीम्स कम ट्रू। डाउनलोड द ऐप नाउ।